नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। मजदूरों की समस्या को लेकर इंटक ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वैसे प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना तो मजदूरों ने रखा और ना ही मजदूर नेताओं ने। खैर, ये तो बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन यह प्रदर्शन मजदूरों की समस्या को लेकर किया गया, जहां मजदूरों के शहर जमशेदपुर में काफी कंपनियां बंद हो रही है और जो कंपनियां चल रही है उनमें बाहर के मजदूरों को रखा जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है। उधर कंपनी खुलवाने और मजदूरों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर इंटक ने एक विशाल रैली निकाल जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्लाइमेट जो नौकरी कर रहे थे वो उनकी नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हो गई, उनका पेमेंट तक नहीं मिल रहा, उनके परिवार बेसहारा हो गया है और असंगठित क्षेत्र में खासकर इतना बुरा हालत हो गया है कि स्थिति इतना दर्दनाक है असंगठित क्षेत्र में कि लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं। अब पूरा भारतवर्ष का निकाल लीजिए और देख लीजिए, लोग खाने पीना मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है, जो कंपनी है वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं, बाहर से कंपनी आने का तो दूर एक भी कंपनी लग नहीं रहे। यह सरकार को उखाड़ फेंका जाए। आप देखिए, लोग बोलते हैं कि बीजेपी के सरकार में काम की बात करते हैं, लेकिन जो भी कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूट या जो प्लांट आए हैं सब देखेंगे, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में जाए तो सब कांग्रेस के टाइम में और स्थिति इतना भयावह है कि अब उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको जो है सो भूखे मर रहे हैं, मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही है, जो ड्यूटी कर रहे हैं तो भी बाहर आ गए। इस सबको खिलाफ में हम लोग किसी को ज्ञापन दे रहे हैं।